देखिए, देवरिया की घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, और हम समझते हैं हमारे पूर्वांचल की ये सबसे बड़ी घटना है। तो कहीं ना कहीं तो प्रशासन की लापरवाही है, और घटना दुखद है। और जो ये लेट लतीफी का प्रकरण चल रहा है, मतलब एक एक प्रकरण, एक एक अदालत पर 4 साल, 5 साल, खारिज दाखिल के लिए 2 साल, 3 साल, ये उसी का परिणाम है। तो घटना बहुत दुखद है। कल सपा का एक डेलीगेशन गया था देवरिया में, फतेहपुर में, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार विचार करेगी, लेकिन हमको तो नहीं लगता कि उसमें कोई जांच की आवश्यकता है। वो तो खुला हुआ केस है। पहला मर्डर यादव का हुआ है और बाद में 5 मर्डर पंडित जी लोगों का हुआ है, खुला है। सीबीआई का जांच का सिर्फ एक प्रकरण है लटकाने का, और तो कोई नहीं है। पुलिस की जांच उसमें सक्षम है। सीबीआई की जांच ऐसे प्रकरण में की जाती है जिसमें कोई संदेह हो। ये तो खुला केस है। ये तो केवल कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, या हम बड़े नेता हैं तो हम बड़ी मांग कर रहे हैं। ब्रह्मशंकर त्रिपाठी ने बुलडोजर की राजनीति को बंद करने की बात कही है कल। मैं तो सदैव से इस राजनीति का विरोधी हूं। मैं सदैव इस राजनीति का विरोधी हूं। घर बड़ी मुश्किल से बनता है।